हेलो एवरीवन टुडे वी विल डिस्कस सम मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ द फोटोसेंथेसिस प्रोसेस ऑफ फोटो फोटोसेंथेसिस टेक प्लेस इन टू टू फेज फर्स्ट फेज इज लाइट फेज सेकेंड इज डार्क फेज इन फर्स्ट फेज दैट इज लाइट डिपेंडेंट इट इज़ कॉल्ड लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन इस फेज में क्या होता है प्लांट यूज़ करता है एनर्जी को और उसको कन्वर्ट कर देता है रेडियंट एनर्जी को इनटू केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी में किस फॉर्म में करेगा ए और एन की फॉर्म में और साथ में आपके ऑक्सीजन इवोल्व करती है सेकेंड फेज में क्या होता है ये लाइट पर डिपेंड नहीं करती इसलिए इसको बोलते हैं आप डार्क फेज़ इसमें प्लांट क्या करेगा फर्स्ट फेज में जो ए और एन बनाए थे उनको यूज़ करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर देगा कार्बोहाइड्रेट में so, for, इस फेज को आप थर्मोकेमिकल फेज़ बोलते हो तो फर्स्ट फेज़ इज योर फोटोकेमिकल फेज सेकंड फेज इज योर थर्मोकेमिकल फेज कुछ एग्जी कुछ क्या है एविडेंसेस आए हैं जो सपोर्ट करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लाइट और डार्क फेस रिएक्शंस को फर्स्ट आपका जो एक्सपेरिमेंट रहेगा दैट इज़ फ्लैश लाइट एक्सपेरिमेंट इस लाइट में क्या हुआ बार नाम के साइंटिस्ट आए थे नाइनटीन में इन्होंने क्लोरेला को एक ग्रीन एलगी है उसको यूज़ किया इस एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने क्या किया इस क्लोरेला के ऊपर कंटिन्यू लाइट रखी तब इन्होंने देखा कि इसने लेस फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी शो की है देन इन्होंने क्लोरेला के ऊपर इंटरमीडिएटेड लाइट दैट मीन्स फर्स्ट डार्क फेज देन लाइट फेज इस तरीके से डाला कि स्टार्टिंग में एक थोड़ी सी फ्लैश ऑफ लाइट डाल दी फिर इसको कुछ टाइम के लिए डार्क में रखा फिर एक फ्लैश की लाइट के लिए दी फिर डार्क में रखा उन्होंने देखा कि जो प्रोडक्शन है फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है जो ईल्ड है वो इंक्रीज कर गई नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज योर टेम्परेचर कोफिशेंट टेम्परेचर जो कोफिशेंट होता है ये क्या कहता है ये एक रेस् होती है कि रेट ऑफ रिएक्शन एट टेन टी डिग्री टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन एट द टी माइनस टी माइनस टेन डिग्री दैट मीन्स कि अगर स्टार्टिंग में आपने मान लो नाइन्टी डिग्री सेल्सियस लिया है तो और बाद में टेन डिग्री कम कर दो टेन डिग्री कम करने पे आपकी जो कितनी फोटोसेंथेटिक इल्ड रहेगी उसकी रेशो को आप बोलते हो टेम्परेचर कोफिशियंट जो आपका टेम्परेचर कोफ़िशियंट रहता है वो किसी प्योरली केमिकल रिएक्शंस के लिए टू रहता है बट अगर आप फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात करते हो तो उसके लिए ये वन रहता है तो ब्लैक मैन आए नाइनटीन में इन्होंने कहा जब आप को किसी भी लाइट को लो लाइट इंटेंसिटी में जब आप किसी प्लांट को रखते हो तो उसके टेम्परेचर कोफ़िशेंट की वैल्यू रहती है वन और जब आप उसी प्लांट को किसी वेल इलूमिनेटेड प्ला, प्लांट मतलब लाइट में रखोगे तो उसकी जो टेम्परेचर कोफ़िशेंट की वैल्यू इंक्रीज़ कर जाएगी वन से टू हो जाएगी तो इससे क्या पता चलता है कि लो लाइट इंटेंसिटी फोटोकेमिकल रिएक्शन टेक प्लेस और बाद में क्या हुआ था जब आपने वेल well इलिमिनेटेड बहुत अच्छे से लाइट दी थी तो उसमें आपने प्योरली थर्मोकेमिकल रिएक्शन हुई थी तो टू की क्यू टेन की वैल्यू जो होती है वो इक्वल टू टू और मोर देन इन टू रहती है नेक्स्ट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट क्या रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन इन द इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया कैल्विन ने एक ग्रीन प्लांट टू द लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देन उसको ट्रांसफर कर दिया इन इमिडिएटली डार्क फेस में जहाँ पर उसने क्या दिया उसको प्लांट को रेडियो लेवल्ड कार्बन डाइऑक्साइड दी तो इसमें क्या देखा रेडियो आइसोटोप तो जो दिया तो उन्होंने देखा जब फर्स्टली रिएक्शन हुई थी फर्स्ट पार्ट ऑफ रिएक्शन जो लाइट रिएक्शन हुई थो प्योरली फोटोकेमिकल रिएक्शन हुई थी Then second part of reaction, जो डार्क में रखा थर्मोकेमिकल जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट बना तो कार्बोहाइड्रेट बना था उसमें की क्या, क्या रहेगा आपको कुछ स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए फर्स्ट्लास्ट के अंदर थैलेक्स होते हैं उनके अंदर कुछ स्पेशल होते हैं क्वांटासोम बेसिकली टू चीज़ों से मिलके बने होते हैं एक तो एंटीना मोलिक्यूल्स एक होता है आपका ट्रैप सेंटर ये जो आपका बीच में है ना दैट इज योर ट्रैप सेंटर ट्रैप सेंटर में मोस्टली क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है बाकी जब एंटीना मोलिक्यूल्स में क्लोरोफिल ए के साथ में असरी और भी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ये क्या करते हैं कि लाइट एनर्जी को क्या करेंगे इस ट्रैप सेंटर तक पहुंचाते हैं ये एक क्लोरोफिल मोलिक्यूल्स दूसरे क्लोरोफिल मोलिकूल को दूसरा क्लोरोफिल मोिक्यूल क्या करेगा तीसरे कुलोरविल मोलिकुल ऐसे करके ये क्या करेंगे ट्रैप सेंटर तक लाइट को पहुंचा देंगे और ट्रैप सेंटर फिर क्या करेगा वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और फोटोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट कर देगा नेक्स्ट इज योर फोटो इसी जो मैंने अभी आपको बताया इसको ही आप एज ए डिस्क्राइब करोगे फोटोसेंथेटिक यूनिट फर्स्टली क्या है जो फोटोसेंथेटिक यूनिट जो है वो स्मॉल ग्रुप ऑफ पिगमेंट मोलिकुल से मिलके बनी है जो फोटोकेमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं इनको आप क्या बोलते हो क्वांटासोम्स बोलते हो क्वांटासोम्स मेनली जो होते हैं टू आ, टू थर्टी क्लोरोफिल मोलिक्यूल से मिल बनती है तो इसमें टू प्रोसेस थे एक एंटीना कॉम्प्लेक्स था एक आपका ट्रैप सेंटर एंटीना कॉम्प्लेक्स जनरली टू हंड्रेड मोलिक्यूल ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट से बनते हैं जो क्या करते हैं ट्रांसफ़र करते हैं एनर्जी को फ्रॉम सनलाइट जैसे लेके और कहाँ पर ट्रैप सेंटर तक और कैसे करते हैं फ्रॉम वन मोलिक्यूल टू तो अनदर मोलिक्यूल इसी इफेक्ट को आप इंडक्टिव रेजोनेंस बोलते हो ट्रेप सेंटर में क्या होता है क्लोरोफिल ए मोलिक्यूल बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं जो क्या करते हैं यहाँ से लाइट लेते हैं और फाइनली क्या कर देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को दे के एक्साइड कर देते हैं नेक्स्ट है ऑफ लाइट एनर्जी दैट मीन्स उन्होंने जो वो लाइट ली है एनर्जी उसका उन्होंने किया क्या है उनको वो क्या करते हैं कि जैसे ही आपके क्लोरोफिल मोलिकुल्स यहाँ प्रेजेंट है इनको जैसे ही इलेक्ट्रॉन लाइट मिलेगी वो उसको अपने इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल्स में क्या है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे लाइट और क्या करेंगे स्टेट में चले। है? तो यहाँ पर की के से करते है? ये करते है, लेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा मेनली यहाँ पर थ्री तरह की स्टेट होती है सेकेंड सिंगलेट स्टेट फर्स्ट सिंगलेट स्टेज ट्रिपलेट स्टेट और ट्रिपलेट में भी टू टाइप्स की सेकेंड ट्रिपलेट स्टेज और फर्स्ट ट्रिपलेट स्टेज तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा सेकंड सिंगलर स्टेट के पास में ठीक है और एक होता है आपका रेड लाइट अगर एब्जॉर्ब की है इलेक्ट्रॉन ने तो वो क्या करेगा डायरेक्ट जाएगा आपके पास फर्स्ट सिंगलेट स्टेट के अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉन सेकेंड सिंगलेट स्टेट में जाएगा वो कुछ अमाउंट के एनर्जी को लॉस करेगा हीट की फॉर्म में और कहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट सिंगलेट स्टेज के अंदर आ जाएगा नेक्स्ट जब आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सिंगलर स्टेज के अंदर आ जाएगा इसके पास थ्री चीजें होंगी या तो वो क्या करे कि डायरेक्ट डायरेक्ट जो आपकी यूज करे क्या करेगा एनर्जी को हीट की फॉर्म में लॉस करेगा और फर्स्ट सिंगलर स्टेट से डायरेक्टली ग्राउंड स्टेज में आता है इस प्रोसेस को आप फ्लोरिसेंस बोलते हो या फिर वो क्या करे कुछ हीट को लॉस करेगा और फर्स्ट से पहले सेकेंड ट्रिपलेट स्टेज में आएगा और फिर सेकेंड ट्रिपलेट स्टेज में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है स्पिन की तरह घूमते रहेंगे और स्पिनर की फॉर्म में यहाँ पर घूमने की वजह से फिर क्या होगा उसके बाद ये यहाँ से डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में चले जाएंगे इस प्रोसेस को आप बोलते हो फोस्ट तो यहाँ पर इसके बारे में कुछ रिटर्न में है हाई एनर्जी फोटॉन्स फ्रॉम द ब्लू रिजन ब्लू रीजन लाइट एक्साइट द इलेक्ट्रॉन टू द सेकंड सिंगलेट स्टेट वेहर एट लो एनर्जी लाइट दैट इज रेड रीजन लाइट एक्साइट करेगी इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट सिंगलेट स्टेज में बोथ सेज ही अनस्टेबल होती हैं और उनका लाइफ जो पीरियड होता है टेन डेज टू पावर माइनस नाइन सेकेंड का रहता है सेकेंड सिंगलेट स्टेज से इलेक्ट्रॉन जाएगा फर्स्ट सिंगलेट सेज में कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी को लॉस करके इन द फॉर्म ऑफ हीट फिर जब ये फर्स्ट सिंगलेट स्टेज के पास आ जाता है तो इसके पास थ्री चॉइस होते हैं या तो वो डायरेक्टली ग्राउंड स्टेज में आ जाए उसको आप बोलोगे फ्लोरीसेंस या फिर वो क्या करें वहाँ पर वहाँ से ट्रिपलेट सेज में जाए और ट्रिपलेट सेज हाइली मेटा स्टेबल स्टेट होती है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है इसके पास लॉन्गर लाइफ पीरियड होता है यहाँ पर टेन टू पावर माइनस नो टू सेकेंड का दिस स्टेट ऑफ क्लोरोफिल मोलिक्यूल मोर रिएक्टिव ड्यू टू लॉन्गर लाइफ पीरियड के बाद तो ये क्या करेगा ट्रिपलेट स्टेज से फॉल कर जाएगा अपने ग्राउंड स्टेज में उस प्रोसेस को बोलोगे फोस्फोरिसेंस मैक्सिमम अमाउंट जितनी भी यूज इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है लाइट को हीट में फोसफोरिसेंस में और फ्लोरिसेंस में अपना हीट की फॉर्म में ये निकाल देता है जो बच्ची लाइट को उसको वही फदर यूज करता है कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए नेक्स्ट है आपका इमर्सन इफेक्ट इमर्सन इफेक्ट या फिर इसका आप बोल सकते हो टू फोटोसेंस फोटो सिस्टम दैट मीन्स ये इफेक्ट ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो क्लोरोफिल मोलिक्यूल्स होते हैं जो आपका ट्रैप सेंटर होता है वहाँ पर टू टाइप के आपके क्या प्रेजेंट होते हैं फोटोसिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं तो इसमें इमरसन नाम के साइंटिस्ट रहे हैं आपके नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टीन सेवन में उन्होंने क्लोरिल पे एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने वहाँ पर मेजर की क्वांटम इल्ड ये आपके दो टर्म्स होते हैं क्वांटम इल्ड एंड क्वांटम रिक्वायरमेंट क्वांटम इल्ड क्या होते हैं टोटल नंबर ऑफ द ऑक्सीजन मोलिक्यूल प्रोड्यूस्ड

कि वेन द इज़ एक्सपोज टू द मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ द डिफरेंट वेव लेंथ ही नोटिस दैट इल्ड वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रही अप टू सिक्स हंड्रेड टू सिक्स एटी नाइनो तक की जो इल्ड थी इसकी कॉन्स्टेंट रही थी बट वेयर वाज ए शार्प और सडन डिक्रीज हो जाता है इल्ड के अंदर जब ये बाय सिक्स एटी डिग्री से आगे जाने लग जाती है मतलब सिक्स एटी नाइनोमीटर के रीजन से आगे जाएगी दैट मीन्स रेड लाइट रीजन में एंटर कर जाएगी और रेड लाइट रीजन के अंदर क्या हो रहा है क्वांटम क्वान्टिल्ड शार्पली डिक्रीज़ कर रही है इसी वजह से इसको रेड ड्रॉप इफ़ेक्ट के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट है आपका इमरसन एनहेंसमेंट इफेक्ट इन्होंने देखा जब आपकी इसमें एक बार तो आप देते हो फार रेड रीजन की लाइट को एक बार देते हो रेड रीजन की लाइट को तो इन्होंने देखा जब आप ऐसे एक बार ही फार रेड एक बार रेड, रेड रीजन की लाइट को प्लांट एब्जॉर्ब करता है तो जितना रेड ड्रॉप की वजह से इसने फोटो एक्टिविटी लॉस की थी उसको भी रिगेन कर लेता है और, और उससे भी ज़्यादा फोटो एक्टिविटी को इनक्रीज कर जाता है इसलिए इसने बोला यहाँ पर इनहेंसमेंट इफ़ेक्ट नेक्स्ट इससे आपका क्या पता चलता है इससे ये पता चलता है कि टू टाइप के फोटोकेमिकल प्रोसेस एसोसिएटेड रहते हैं पिगमेंट्स के अंदर में एक एब्जॉर्ब करता है शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को दूसरे ऑब्जॉर्ब करता है लोंगर वेवलेंथ की लाइट को तो ये फोटो सिस्टम टू के बारे में आगे आप पढ़ो इनका बोलते हो फोटो सिस्टम वन एंड फोटो सिस्टम सेकेंड फोटो जो वन होता है वो लोकेटेड रहता है पे स्ट्रोमा में भी और ग्रेना लैमिले में भी ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ मार्जन क्या होते हैं, स्ट्रोमा और ग्रेना क्या होते हैं जबकि फोटो सिस्टम जो सेकेंड होता है वो कॉम्प्लेक्स इज प्रोडोम लोकेटेड रहता है पार्टीशन रीजन ऑफ ग्रेनाकोइड तो फोटो सिस्टम जो फर्स्ट है ये आपका स्ट्रोमा में है तो दैट मीन यहाँ पर मोस्टली डार्क रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है मोस्टली में है तो ये आपका जनरली लाइट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है सेकेंड इज फोटो सिस्टम वन कंसिस्ट ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट विच एब्जोर्ब द लाइट वेव लेंथ ऑफ सेवन हंड्रेड नैनोमीटर दैट मीनस आपका जो फोटो सिस्टम वन है वो सेवन हंड्रेड नैनोमीटर की लाइट को एब्जोर्ब करता है जबकि आपका फोटो सिस्टम सेकेंड है वो ऑब्जॉर्व करता है सिक्स एटी नैनोमीटर की लाइट को जो ट्रैप सेंटर होता है फोटो सिस्टम वन का उसको आप पी सेवन हंड्रेड भी बोलते हो उसके अंदर और क्या होता है मैंने मैं बोसिक मैंने बेसिकली बताया था कि जो क्लोरो जो आपका फोटो सिस्टम वन है या फिर जो ट्रैप सेंटर है उसमें क्लोरोफिल ए मोलिकुल ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो यहाँ पर क्लोरोफिल ए जो है वो सेवन हंड्रेड साइटोक्रोम एफ साइटोक्रोम बी 563 आयरन सल्फर का प्रोटीन्स प्रेजेंट और कुछ अननोन रिड्यूसिंग एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं जबकि फोटोसिस्टम जो सेकंड है वहाँ पर क्लोरोफिल कौन सा होता है आपका 680, 30 टू 40 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं टू और मोर अननोन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फाइटो फियोफाइटिन क्विनोन नेक्स्ट है आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो फोटो सिस्टम वन का होता तो है उसमें क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी एंड लेस नंबर ऑफ कैरोनोइड और फाइकोब्लिन इसमें आपको याद रखना है फोटो सिस्टम वन के पास हाई अमाउंट में क्लोरोफिल ए बाई क्लोरोफिल बी रेसो होती है इसका मतलब आपका क्या है सिंपल सा इसका मतलब है कि क्लोरोफिल ए और बी हाई मतलब जो क्लोरोफिल ए मोलिक्यूल है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्लोरोफिल बी लगा लो आपके पास क्लोरोफिल ए की वैल्यू है ट्वेंटी भाई ट्वेंटी मोलिकुल आपके क्लोरोफिल ए के प्रेजेंट है और आपके पास जो क्लोरोफिल बी की वैल्यू है टेन तो आपकी रेसो क्या आएगी टू इनकेस जबकि आपके पास जो फोटोसिस्टम बी है वहां पर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की वैल्यू कम है दैट मीन्स मान लो क्लोरोफिल ए की वैल्यू है टेन और क्लोरोफिल बी की वैल्यू है ट्वेंटी अगर आप इसको काटते हो तो क्या आएगा जीरो पॉइंट फाइव तो जहाँ पर आपका पास क्लोरोफिल ए की वैल्यू क्या रहेगी ज्यादा रहेगी वहां पर उसका बोलोगे फोटोसिस्टम वन के अंदर हाई रेशियो है जबकि तो बी की ए की वैल्यू कम रहेगी तो क्लोरोफिल बाय ए बाय बी की रेशियो जो कि लो रहेगी नेक्स्ट है फोटो सिस्टम वन कॉम्प्लेक्स नॉर्मली ड्राइव करता है इलेक्ट्रॉन क्लोरो फोटो सिस्टम सेकेंड मतलब फोटो सिस्टम सेकेंड से फोटो सिस्टम वन के पास इलेक्ट्रॉन जाता है जबकि फोटो सिस्टम सेकेंड जो होता है वो फोटोफोस्फिलाईजेशन मतलब डायरेक्टली वोटर को वोटर को स्प्लिट करके वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को लेता है इट इज जबकि फोटो सिस्टम जो फर्स्ट है वो इन्वॉल्व रहता है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों फोटो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर जबकि आपका फोटो सिस्टम सेकेंड है वो नॉन साइक्लिक फोटो सिस्टम इलेक्ट्रॉन के अंदर इन्वॉल्व रहता है ये या आपको याद है कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व है फोटो सिस्टम वन फोटो सिस्टम सेकेंड जो है वो सिर्फ आपकी नॉन साइक्लिक रिएक्शन में इन्वॉल्व रहता है नेक्स्ट इज योर हिल रिएक्शन हिल रिएक्शन बेसिकली आपकी बताती है फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर भाई वोटर स्प्लिट कैसे होता है उससे क्या निकलता है इसमें क्या होता है बेसिकली आयरन्स का रोल होता है एफ ई टू पॉजिट थ्री पॉजिटिव आयन गेट कन्वर्ट इन एफ ई टू पॉजिटिव हिल ने क्या बताया द प्रॉपर्टी ऑफ द क्लोरोप्लास द ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड लाइट लाइट और वाटर की प्रेजेंस में जो क्लोरोप्लास्ट के ऑक्सीजन को इवोल्व करता है और इसको आप बोलते हो हिल रिएक्शन इस रिएक्शन में क्या होता है वाटर के टू मॉलिक्यूल डिसोशिएट होते हैं एच पॉजिटिव के फोर आयंस फोर इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में ठीक है मेनली आपके कुछ एंजाइम्स एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं और कुछ को फैक्टर दैट इज मैगनीज क्लोरिन कैल्शियम आयन्स इसमें क्या होता है चार फेज में ये प्रोसेस होता है एस नोट टू एस फोर फोर स्टेप्स के अंदर इसमें क्या होता है वन एक्सट्रीमली शॉर्ट फ्लैश लाइट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड एंड वन इलेक्ट्रॉन रिलीज कर जाता है ये आपका दिखा रखा कि कैसे यहाँ पर एस नोट से स्टार्ट होके एक एक फ्लैश लाइट गिरती है वहाँ से एक एच पॉजिटिव रिमूव फिर ऐसे सेकेंड के ऊपर थर्ड के ऊपर फोर्थ फोर्थ में आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है नेक्स्ट है आपका रिडक्स पोटेंशियल रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है भाई वो पोटेंशियल रिडोक्स पोटेंशियल इज द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू कैरी एन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एट ए टेम्परेचर ऑफ ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस एंड सेवन पी एच ठीक है अगर आपका कोई सब्सटेंस है जिसका नेगेटिव रिडोक्स पोटेंशियल है दैट मीन्स वो हाईली हाई एनर्जी पोजेस करता है और वो एज एक्ट करेगा आपका इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह जो सब्सटेंस जिसका आपका पॉजिटिव रिडॉक्स पोटेंशियल है दैट मीन्स वो एक्ट करेगा आपको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह ये कुछ सब्सटेंसेस के रिडॉक्स पोटेंशियल्स आपको दिए हुए हैं थैंक यू सो मच वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा